मस्ती है हिंदुस्तान की, इस बच्चे की और इस भगवान आपको 4 गुना उम्र दे बच्चों को संभालने के लिए। धन्यवाद। उम्र में दिक्कत है कोई बात नहीं, क्या बात है, क्या हौसला है, इसको देश की हस्ती कहते हैं। योगेंद्र जी आप अपना दोस्त शुरू करिए, समय का ध्यान रखिए। तो पहले तो हमारे रोनी यहाँ पर पूछते हैं, मैं उनका मेरी तरफ से हमारे भारतीय किसान इनकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों सामने बैठे हमारे सभी किसान भाइयों बुजुर्गों प्यारे बच्चों हमारी माताएं बहने हमारे मीडिया वाले भाई साथियों, आज इस आंदोलन को 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और इस 5 महीने में करीब 350 लाशें बॉर्डरों से हमारे घर को जा चुकी हैं, 350 के करीब शहीदियां हो चुकी हैं अभी तक, लेकिन निर्दयी सरकार बेरहम सरकार अभी तक अपने राजहट पे अड़ी हुई है। लेकिन ये राजहट जिसने भी किया, दुर्योधन ने किया था, परिवार भी गया और राज भी गए, रावण ने किया था, परिवार भी गया और राज भी गए, होगा मोदी के साथ भी यही, ये बीजेपी की भी जड़ें पटेगी और बात भी मान मुझे। साथियों आंदोलन लड़ना हमारी मजबूरी है, हम शौक में नहीं बैठे हैं, हम कोई जगीरें भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो केवल जिंदा रहने की लड़ाई है, केवल जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। साथियों आज भुखमरी में हमारा देश दुनिया में सबसे नीचे चला गया है, 107 देश है भुखमरी वाले, हमारा स्थान 102 है। ये नहीं है कि देश के पास पैसा नहीं है, देश के पास अनाज नहीं है इसलिए भूखे मर रहे हैं, देश की व्यवस्था नहीं है इसलिए भूखे मर रहे हैं। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान कर्जे से दबके मर गए, आत्महत्या कर ली, बैंक वालों ने परेशान किया और इसी पीरियड के अंदर देश के कारपोरेट सेक्टर ने किसानों के टोटल कर्जे से 2 गुना मार लिया, जिसको एनपीए बोलते हैं, एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या नहीं की, व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। एक किसान ने 2 लाख रुपए कर्जा ले लिया तो आत्महत्या करेगा और एक पूंजीपति ने 20,000 करोड़ का कर्जा ले लिया तो आत्महत्या नहीं करेगा, कोई जेल में भी नहीं जाएगा, एक भी पूंजीपति आज तक जेल में नहीं गया। साथियों ये कहते हैं बॉन्ड मार्केट में आप लोग चले गए हैं, WTO में शामिल हो गए हैं, अब आपको वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है, देश की सरकार आपको सपोर्ट नहीं करेगी खेती को, जब देश की सरकार खेती को सपोर्ट नहीं करेगी आप जो मर्जी पैदा करो जहां मर्जी बेचो। आज गेहूं का रेट है, आप राजस्थान में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आज गेहूं का रेट है 1700 रुपए, पिछले साल बिकी थी 1600 रुपए। जिस दिन आपका डंडा खत्म हो गया, अगर आप ये आंदोलन हार गए तो फिर आपकी गेहूं भी बिकेगी 1700 रुपए, अगर आप ये आंदोलन हार गए तो फिर बिहार के रेट पे आपकी धान बिकेगी 1100 रुपए, अगर आप ये आंदोलन हार गए तो फिर आपकी कपास बिकेगी अमेरिका के रेट पे, आपका मक्का बिकेगा अमेरिका के रेट पे, जहां पे लाखों लाख एकड़ के प्लाट बन चुके हैं, 10,000, 20,000, 5,000 एकड़ के तमाम प्लाट हैं। और अगला, अगर हम ये आंदोलन हार गए, मैं ये बता रहा हूं कि आंदोलन लड़ना हमारी मजबूरी है, अगर ये आंदोलन हार गए तो अगली खेती यहां पे कारपोरेट करेगा, हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे, ये अगला प्लान आ गया। आप लोग खेती नहीं करोगे
मजबूरी होगी आपकी सस्ते में जमीन बेचना और किसान तो खरीद नहीं पाएगा, कारपोरेट खरीदेगा, कंपनियां खरीदेगी और जब वो कंपनियां खरीदेगी तो हजारों हजार एकड़ के प्लांट बनेंगे, मशीन से खेती होगी, आदमियों से खेती नहीं होगी और उसके साथ जो हमारे मजदूर हैं आज खेती में काम करते हैं वो भी सारे नकारा होंगे। आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, आंदोलन सबका है। किसानों ने तो शुरू किया है, ये जन आंदोलन है। हमारे मजदूर भी हमारे साथ नकारा होंगे, हमारे बाजार का कारोबार भी सारा कारपोरेट छीन के ले गया। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप बाजार से सामान नहीं खरीदोगे और बाजार भी पीटेगा। आप देख रहे हैं पिछले साल दो सालों से बाजार का क्या हाल हो गया। साथियों, ये सबका आंदोलन है और हमको हम सबको साथ लेने की जरूरत है। अभी हमारे जो मजदूर भाई है, अभी हमारे जो दलित भाई है, उनको हम साथ नहीं जोड़ पाए। उनको साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है, एक और एक 11 हो जाएंगे। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने गांव में मजदूर भाइयों की, अपने दलित समाज की पंचायत करिए, उस दलित समाज को साथ में जोड़िए। दोनों कुटे पीटे लोग हैं, दोनों शोषित लोग हैं। मैं तो कहता हूं जो भी बाजार वाले भाइयों को भी साथ में जोड़ना चाहिए। ये आंदोलन किसानों का तो केवल इतना सा है कि किसानों की फसल सस्ते भाव में खरीदेंगे, लेकिन जो भाई भी मोल लेके खाएगा उस हर भाई को ब्लैक झेलनी पड़ेगी। जैसे 4 साल पहले दाल में झेली 7-8 व्यापारी थे जिन्होंने सारे देश की दाल खरीद के रखी थी। अभी आपके सामने प्याज का उदाहरण है, अभी आपके सामने आलू का उदाहरण है, कल आपके सामने गेहूं भी ऐसे ही बिकेगी, कल आपके सामने चावल भी ऐसे ही बिकेगा। जो मोल लेके खाने वाले भाई है असल तो उनका ज्यादा नुकसान होगा। उनको समझाने की जरूरत है, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम कहीं भी रैलियों में देखते हैं हमारे किसान भाई तो आते हैं, लेकिन हम मजदूर भाइयों को कम जोड़ पाए। उनको और ज्यादा जोड़ने की जरूरत है, उनको उनका सहयोग और ज्यादा लेने की जरूरत है। साथियों, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने हवा खड़ा कर दिया है कोरोना कोरोना। पहली बात तो कि परमात्मा की दया है आपके आंदोलन के ऊपर, कि आपका जो आंदोलन है वो परमात्मा खुद चला रहा है, हमारे चलाए इसे आंदोलन नहीं चला। और 5 महीने से 5-6 धरने लगे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पे, उसके पहले भी पूरे देश के पूरे प्रचार के अंदर लोग लगे रहे, पूरे देश के अंदर घूमे, लेकिन एक भी आदमी कोरोना से नहीं मरा, एक भी किसान कोरोना से नहीं मरा, उस मालिक की दया है। दूसरी तरफ कोरोना है, कोरोना फैल रहा है, ये सरकार मान रही है, पिछले 1 साल से हो रहा है, लेकिन कहा मर गई सरकार कि आज ऑक्सीजन से मर रहे हैं लोग, ऑक्सीजन नहीं है इसलिए मर रहे हैं लोग, आज अस्पताल में बेड नहीं है इसलिए मर रहे हैं लोग। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे पत्रकार भाई, मीडिया वाले भाई नोट करें, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस मरीज को ऑक्सीजन ना मिले, जिस मरीज को बेड ना मिले, वो बीजेपी के नेताओं के एमएलए हो, एमपी हो, इनके घरों में अपने मरीज को दाखिल कराएगा। साथियों, ये डंडे से दबाना चाहते हैं, ये इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, इस तरह से जैसे तबलीगियों को बदनाम किया था, लेकिन इस आंदोलन पर परमात्मा की दया है। हम आंदोलन भी लड़ेंगे, हम कोरोना से भी लड़ेंगे, लेकिन तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक ये आंदोलन जीत नहीं जाते। इसमें 5 महीने लगे, इसमें 5 साल लगे। तो साथियों, बस मैं बहुत ज्यादा अपनी बात को लंबी ना करता, क्योंकि बोलने वाले बहुत से भाई हैं, फिर रह जाता है, अच्छा नहीं लगता। और एक जो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जिसके लिए आज पंचायत रखी गई है, कि गांव वाले ने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दी। पहली बात तो
अगर ये मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो शायद आज काम आता करोना नहीं बनाया गया, बदकिस्मत यह है हमारी, क्योंकि इसके लिए तो बजट ही नहीं है ना। अस्पतालों के लिए, दवाई के लिए तो बजट ही नहीं है हमारे पास। और ढाका ढाका ऑक्सीजन ब्लैक हो रही है, दवाइयां ब्लैक हो रही है, टीके ब्लैक हो रहे हैं, कोई कानून नहीं है, किसी को सजा नहीं, उठा उठा के छोड़ो बैठो करो उनको। जो गैस ऑक्सीजन ब्लैक कर रहा है उठा के छोड़ो बैठो करो उनको। साथियों, हम ये कहना चाहेंगे कि जब यहाँ के भाइयों को जरूरत पड़े आंदोलन में किसी तरह की जरूरत पड़े, डंडा बजाने की भी जरूरत पड़े, जब मर्जी आवाज मार लेना, आपके साथ खड़े। ये आपको देखना है आंदोलन किस तरह का चलाना है। जैसा आंदोलन यहाँ के भाई चलाना चाहे, इनके आगे खड़े होंगे, चाहे कुछ उसमें नुकसान भी हो, कुर्बानियां भी देनी पड़े, कोई बात नहीं, आपसे आगे होके लड़ेंगे। और हम सरकार से इस मंच के माध्यम से बात करते हैं कि शराफत से मान जाए, बढ़ा दें मेडिकल कॉलेज यहीं पे, भाइयों ने जमीन दी है, छोटी बात नहीं है। हम हर तरह से इस आंदोलन पे साथ करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट बस ये करना चाहेंगे कि आंदोलन लंबा चल सकता है, क्योंकि कोरोना के बहाने से अब शायद कुछ नया करने में भी दिक्कत पैदा होगी, इसलिए आप रोटेशन में हर गांव से अपनी हाजिरी घरों में रखें, अपनी पंचायतों के माध्यम से फैसला कर लेंगे, गांव से इतने आदमी जाएंगे, अपनी हाजिरी जरूर धरनों पर रखें। और उस परमात्मा से दुआ करें कि सरकार को भी सद्बुद्धि दे और सभी किसानों को और आपके जो सभी नेता हैं उनको भी इतना हौसला दे कि ये आंदोलन आखिरी सांस तक लड़ें, जीत होने तक लड़ें। आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं